हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और करंटली आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसके हवाले से ये रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस आपके लिए व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ सजिटेरियस पार्टनर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, डेविल, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द लवर, डेथ कार्ड। ओके, सो करंटली आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच्ड है तो उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो पूरी करनी है, जिस जो वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकते हो आपको बताना नहीं चाह रहे हो, या बिहाइंड द सीन वो इन चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। जो भी बर्डन उनके ऊपर इस रिलेशनशिप के हवाले से है, अगर रिलेशनशिप वो चाहते हैं, अगर जो भी बर्डन है उसको वो बिहाइंड द सीन रिजॉल्व कर रहे हैं, लाइक आपको बताए बगैर। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं और इसको छुपाते छुपाते वो खुद इतने टायर्ड हो गए हैं, वो इतने इस चीज़ का बोझ उनके ऊपर इतना आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। अब इस बोझ को वो ज़्यादा उठा नहीं पा रहे हैं। जो भी उन्होंने छुपाया हुआ था, कुछ जो भी चीज़ हिडन थी, चाहे आपसे चाहे उनके फैमिली से या उनके अराउंड के लोगों से, जो भी चीज़ हिडन थी अब वो हिडन उस वो रख नहीं पा रहे हैं, उसका बोझ वो नहीं उठा पा रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन है वेगोस के लिए। वो कोशिश कर चुके हैं, लाइक वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि रिजॉल्वमेंट हो। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है वो उसको हिडन रखा हुआ था और वो खुद से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। और वो इस कनेक्शन में सोली कनेक्टेड हैं। चाहे कि आपकी और उनकी कोई बातचीत नहीं है, फिर भी वो उससे इसको इसमें लव फील करते हैं। लव है, इमोशनल कनेक्शन है, बट फिज़िकली यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके माइंड जो है वो अभी भी उस फाइट से, उस झगड़े से नहीं निकल सका जो आप लोगों में हो चुका है पहले। हो सकता है 5 मंथ बिफोर जो भी आपके साथ हुआ, हो सकता है जेमिनाई टाइम में, पिछले जेमिनाई टाइम में, मई जून के टाइम में जो भी आपके साथ सिचुएशन चली थी, फाइटिंग सिचुएशन, उस वक्त से अब तक का जो आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो अभी भी वो इसी फाइट में है। वो ऐसी फाइट जिसमें उनकी ईगो बहुत ज़्यादा आ रही बीच में, लाइक वो किसी भी तरीके से अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं। अभी भी वो इसी सिचुएशन में है। वो दो के वो लव ऑफ़र करना चाहते हैं इस टाइम। उनकी करंटली जो सिचुएशन है उसमें यही है कि वो जो भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं लव, वो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है, कुछ अनहेल्दी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप को वो ब्लॉक कर रही। हो सकता है उनके अराउंड के इन्वायरमेंट में कोई ऐसी नेगेटिविटी है वो इसको ब्लॉक कर रही है। नेगेटिविटी जो फाइटिंग सिचुएशन है वो इसको ब्लॉक कर रही है। हो सकता है उनकी फैमिली में, फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी बनी हुई है, वो उनके इमोशंस को उभरने नहीं दे रही फॉर यू। उनके साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। कुछ लोगों के लिए ये बैड एनर्जीज भी हो सकती हैं, जैसे कि एवल आय होता है, मैजिक होता है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जस्ट अनहेल्दी इन्वायरमेंट,
जो कि उनको अपनी लव लाइफ में आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा, ब्लॉक है, चैलेंज है उनके लिए कि जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ पर इन फ्यूचर में कुछ वो कुछ चीज़ इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म होगी। अगर वो लव्स रखते हैं अपना आपके लिए और वो इस किसी अनहेल्दी फाइट या अनहेल्दी सिचुएशन की वजह से प्रोसीड नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये सिचुएशन जल्द अज जल्द एंड हो जाएगी। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर, तो या तो ये सिचुएशन एंड हो रही है और या फिर ये कनेक्शन ही कुछ लोगों के लिए एंड हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक चीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ शुरू हो सकती है, जिसके बाद जो है आप लोगों की लाइफ जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेटरमेंट के लिए भी हो सकती है, और बेटरमेंट ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप से वॉकआउट ही करना है, उस पर्सन को वॉकआउट करने में बेटरमेंट नज़र आती है तो ये बेटरमेंट हो सकती है। और अगर बेटरमेंट इसमें है कि सब सब चीज़ सारे लड़ाई झगड़े फसाद को एंड करो और आगे बढ़ना है विथ म्यूचुअल लव एंड रिलेशनशिप, तो ये भी एक बेटरमेंट की तरफ जा सकती है आप लोगों की और आपके उस पर्सन के साथ। सो ये बेटरमेंट आएगी, चेंज आएगा, बट आप लोगों के लिए जैसे बेटर चेंज होगा वैसे ही होगा। वॉकआउट करना है तो हो सकता है, और सिचुएशन को एंड करना है, इस फाइट को एंड करना है तो वो भी एंड हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली है आपके पार्टनर के अंदर, सो वो आ सकती है। सो सजिटेरियस सी थी आपकी रीडिंग फॉर द आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।